दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। बीते हुए कल में हमारे किए हुए कार्य का फल आज ही तो है। कल हमारे अनुभवों का संकलन होता है जो आज के हमारे लिए गए निर्णय को संचालित करता है। कल के अनुभवों के आधार पर ही प्रायः हम आज में जीने की कोशिश करते हैं। जो भी हम सीखते हैं वह दिन और रात के बीतने के साथ ही कल हो जाता है। कल के हमारे अनुभव अच्छे या बुरे रहे और फिर हमारा मन उन्हें अपनी गहराइयों के किसी कोने में संजो कर रख लेता है। बहुत अच्छे या बहुत बुरे अनुभवों को हम कभी कभी याद कर खुश हो लेते हैं या फिर दुख हमें होता है, क्योंकि हमारे अनुभव बुरे हुए होते हैं और हम उन्हें अक्सर भुलाने की कोशिश करते रहते हैं। हर इंसान का कल होता है जो उसकी कोशिशों और कशिशों का एल्बम होता है, जिसके पन्नों को वह अक्सर अकेले में कभी कभी पलटता रहता है। लोग बीते हुए कल, आज और आने वाले कल में जिंदगी जीते हैं। बीते हुए कल में हमेशा जीते रहने वाले अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं और आज के सत्य को स्वीकार करते समय बेचैन हो उठते हैं। लेकिन यह भी सही है कि बीता हुआ कल किसी को भी नहीं छोड़ता। हर इंसान का अतीत होता है। आज का आधार बीता हुआ कल ही तो होता है, जिसकी खुशियों और खामियों को जांच कर हम आज कुछ भी करने की सोचते हैं। बीते हुए कल के बिना आज भी तो अधूरा है, लेकिन हाँ, कल में जीने से आज नहीं बनता। कल की वो बातें ही जरूरी हैं जो आज किए जाने वाले कर्म को एक सही, मजबूत और ठोस आधार दे सकें। कल हमारा बचपन होता है, वह निश्चलता होती है। उम्र की वह खूबसूरत सुबह होती है जब हम गाते हैं, खेलते हैं, मचलते हैं, जिद करते हैं और बेफिक्र हो हर पल को जीते हैं। और जैसे जैसे जिंदगी की धूप कड़ी होती जाती है, हम जिंदगी की गहराइयों को करीब से देखने लगते हैं। कितनी बार हैरानी होती है, कितनी बार अपने बड़े होने का एहसास भी होने लगता है। और फिर माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने की हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं। और यह सच्चाई है, बचपन की ठोस बुनियाद हो तो हम बुलंदी से अपने कर्म की राहों पर नए उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिनका बचपन अच्छा नहीं बीतता है, उन्हें आगे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी मंजिल तलाशने और उसे पाने के लिए। कितने देशों में यह भयावह समस्या के रूप में, एक सामाजिक बीमारी के रूप में होती है। लेकिन संघर्ष से हम असंभव लगने वाले को भी संभव बना सकते हैं। कल के बुरे समय को भूलने की कोशिश करने और आज की बुलंदी में जीने से ही जीवन को अर्थ मिलता है। और यह कोशिश आने वाले कल की ठोस बुनियाद का काम करती है। कितने जुड़े होते हैं बीता हुआ कल और आज और आने वाला कल, ये तीनों आपस में कितने जुड़े होते हैं। बीता हुआ कल था तो आज है और आज है तो आने वाला कल होगा। कभी कभी बीता हुआ पल, जो जिसे हम कल कहते हैं, उसका कोई सुंदर पल गुदगुदी लगा जाता है और तब एक नई ऊर्जा मिल जाती है आज में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह भी सही है कि बीते हुए कल में हमेशा जीते रहने से इंसान आज को नहीं जी पाता। एक सुंदर एहसास के रूप में यदि बीता हुआ कल आता है तो इंसान दुगुने जोश से आज में हो आगे चल पड़ता है। लेकिन बीता हुआ कल यदि निराश करने की कोशिश करता है तो उसे आज में हो आगे चलना पड़ता है। लेकिन बीता हुआ कल फिर नहीं आता और उसे भुलाने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि तभी हम आज की खूबसूरती को
सही मायनों में जी पाते हैं। यह भी सही है कि बीता हुआ कल हमारी यादों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें झकझोर ही देता है, लेकिन इंसान करे भी तो क्या, कल हमेशा हमारे साथ होता है। कल ना होता तो आज भी तो नहीं होता। धन्यवाद।